बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मॉर्निंग के क्लास में आपको हम थ्योरी बताए थे हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी के बाद तो एमसीक्यू बनता ही है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं, फटाफट सब लोग जवाब देने के लिए रेडी हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, यूनिबैक। अब देखिए, जो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। यूनिबैक क्या है, उसका फुल फॉर्म फटाफट आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नाम है यूनिबैक, क्लियर है। चलिए, और सबसे पहले ये 1951 में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सेकंड नंबर बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुए थे, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुए थे। माइंड रिमाइंड कीजिए कौन सा जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आरआरबी, आईबीपीएस का जो आरआरबी होता है ग्रामीण बैंक, उसके 2017 में भी क्वेश्चन था, 2021 में भी क्वेश्चन था, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में एआई और यूएलएसआई। इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी किस जनरेशन में आया था, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, आईसी किस जनरेशन में आया था। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, अभी आपको बता, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। चलिए, कराए हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो जो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग हो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कराए विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC, ठीक है, ये भी आपको बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये एक्चुअली टाइप ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है और टाइप ऑफ कंप्यूटर में आपको हम समझाएंगे। मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता है या था, बताइए फटाफट। IBPS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद कीजिए। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता था, बताइए फटाफट। तो बताए थे आप लोग को SSI और MSI दोनों यूज होता था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ SSI और MSI, क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है, वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर में, एक दो क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड था, ठीक है। पूछ रहा है कि विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेट द पेटेंट, करा 1973 में किस कंप्यूटर को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था जब अदालत ने पेटेंट को अमान्य कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, इनैक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनैक, क्लियर है। चलिए अगला है, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन डैट इज मीन्ट फॉर, एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके लिए, क्या है बताइए। देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट, स्टोरेज, उसका फिर कैलकुलेशन, इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं, एंड आउटपुटिंग यानी आउटसोर्स या आउटपुट बोल सकते हैं ऑफ डेटा, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मशीन, क्लियर है। चलिए,
वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए थे, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 ईस्वी में हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से विकसित किया गया किसके द्वारा? तो ये तो जानते ही हैं, इसमें अमेरिका ही आगे था। अवाकस फर्स्ट लाइन आपको बताया था क्लास में, फर्स्ट क्लास का वीडियो एक बार जरूर जाके देखिएगा। अवाकस क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, या मैकेनिकल कंप्यूटर, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर बना था, कंप्यूटर नहीं बना था, क्लियर है। चलिए, कौन सा जनरेशन में कंप्यूटर आज भी स्टिल अंडर डेवलप? तो अभी भी कंप्यूटर आपका जो डेवलपमेंट स्टेज में, फिफ्थ जनरेशन में, आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ जनरेशन। सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, बोले थे क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट, कौन सा है? सब जल्दी से बताइए कमेंट करके, ये हम आपको HW दे रहे हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। ये आपके लिए HW है और इसका आंसर कल हम जरूर बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तीन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। कौन सा कंपनी लैपटॉप पहले लाया था, ठीक है, उसके बाद VCD का फुल फॉर्म, उसके बाद सबसे लोकप्रिय पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। तीन क्वेश्चन आपको HW दिए हैं, इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। और डेली क्लास होगा और आप लोग क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, समय बिल्कुल कम है। सिंगल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है EPFO, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी से इसमें लगे हैं, टाइपिंग जरूर स्टार्ट कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिएगा PT के रिजल्ट का, क्योंकि टाइपिंग ऐसा चीज़ है कि उसमें समय लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और क्लास के बारे में, तो गूगल मीट पे क्लास आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो भी, जिनका भी बेस कमज़ोर है, खासकर एक सर्विस मैन के बहुत सारे कॉल्स आए थे, तो उनके लिए अलग बैच है, उनको जनरल स्टूडेंट में नहीं डालेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं बेसिक से, ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर हम डाल देंगे। और क्लास आपका 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन का डेमो है, बाकी YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्लास चलते रहेगा। और जो डिटेल थ्योरी पढ़ना है आपको, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, वो आपको गूगल मीट पे फेस टू फेस, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं फेस टू फेस, सामने पढ़िए, सामने पूछिए, क्योंकि ये ऐप पे पढ़ाने वाला काम हमको पसंद नहीं आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।